अस्सलाम वालेकुम, आज मैं आपके साथ कस्टर्ड ब्रेड की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले हम बॉल में ऐड करेंगे 2 अंडे। अब हम इसमें 3 खाने के चम्मच ऐड करेंगे पाउडर शुगर। अब हम इसमें ऐड करेंगे 4 टेबलस्पून दही। यहाँ पे दही जो है वो थिक होना चाहिए। अगर आपका दही थिक नहीं है तो उसको जाली में डालकर किसी बाउल के ऊपर रख लें ताकि दही का जो सारा पानी है वो निकल जाए, फिर आप उसको ऐड करें तो जो कस्टर्ड है वो बहुत अच्छा बनेगा। इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पे कस्टर्ड का जो मिक्सचर था वो बिल्कुल रेडी है। अब इस तरह से जिस डिश में आपने बेक करना है उसमें हम इस तरह से लगाएंगे बटर पेपर, ब्रेड के पीस रखेंगे इस तरह से डबल करके रखे हैं। अब ब्रेड को जो है उसके पीसेस को दरमियान से जो है इस तरह से प्रेस कर देंगे, ये देखिए इस तरह से। ये देखें इस तरह से। अब यहाँ पे कस्टर्ड फिलिंग जो हमने रेडी की थी वो हम इसमें ऐड कर देंगे। अब इसके ऊपर आप टॉपिंग कोई भी अपनी पसंद की कर सकते हैं, जो भी फल आपको पसंद है, स्ट्रॉबेरी ऐड कर सकते हैं, मैंगो ऐड कर सकते हैं, बनाना ऐड कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ खजूर। यहाँ पे पतीला जो है प्री हीट हो चुका है, तो अब हम इसमें रखेंगे ब्रेड को बेक होने के लिए। तरह से कवर कर देंगे 20 से 25 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे। यहाँ पे एक दफ़ा आप चेक कर लें हिला के, अगर जो कस्टर्ड की लेयर है वो हिलना बंद हो जाएगी तो ये अच्छी तरह से बेक हो चुके हैं, तो फिर हम इनको बाहर निकाल लेंगे। यहाँ पे देखें कस्टर्ड ब्रेड जो है बिल्कुल रेडी है, और ये देखें मैंने हिला के देखा है तो ये लेयर जो अच्छी तरह से कुक हो चुकी है, तो ये बिल्कुल रेडी है। तो ये देखें हमारी यहाँ पे कस्टर्ड ब्रेड जो है बिल्कुल रेडी है। तो अब आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि मेरी रेसिपी जो है वो आपको कैसी लगी। ये देखें